हे गाइस, अब मैं तुम सबसे एक बात पूछने वाली हूँ। नैनी, तुम इतने दिनों बाद कैसे आ गई? वो सब छोड़ो शिनचैन, सो मुझे ये बताओ तुम सब लोग बड़े होकर क्या बनोगे? अरे नैनी, मैं तो बड़ा होकर बिजनेसमैन बनूंगा। ओ बिजनेसमैन, और मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा। और मैं बनूंगा एक्शन कमीन। हे शिनचैन, बेकार की चीजें मत बोला करो, मैं बनूंगा फौजी। बोचान, लेकिन फौजी बनने के लिए तुम्हें टैंक्स वगैरह चलाने आने चाहिए। टैंक्स तो मेरे भाई हाथ का खेल है, चला के दिखाऊं क्या? चलो ठीक है, आज हम लोग टैंक बैटल करते हैं और देखते हैं बोचान फौजी बनने के लायक है या नहीं। हाँ, मैं रेडी हूँ, आ जाओ। टैंक बैटल, यहाँ पे हमें क्या करना है नैनी? शिनचैन, हमारे ओपनेट्स में 5 टैंक होने वाले हैं और हमें उन 5 टैंक को फोड़ना है। ये तुम्हें बाएं हाथ से कर दूंगा, तुम लोग देखो अभी। ओके, सो हमारी पहली बैटल स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग रेडी हो जाओ, अपने टैंक लेके आगे बढ़ो, हमें उस एरिया पे कब्जा करना है। अरे नानी, हमें सिखाना बंद कर, हमें आता है, तू क्या हमें सिखाएगी? हाँ, वैसे भी मैं फौजी बनना वाला हूँ, सो इसका मतलब मुझे सब आता है। नानी, मुझे सिखाना बंद करो। मुझे भी, मुझे कुछ मत सिखाओ, क्योंकि मसाओ सब कुछ कुछ सीखता है। मसाओ, तुमने क्या सीखा है अब तक? सिर्फ मार खाना सीखा है ना? नहीं शिनचैन, मैंने बहुत कुछ सीखा है, और देखो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मसाओ की पावर। अभी मैं यहाँ पे उस टैंक को फोड़ रहा हूँ, और ये क्या, वो टैंक की तो पावर बहुत ज्यादा है, वो तो फूट ही नहीं रहा। अरे ये टैंक कितने स्लो चल रहे हैं। कजामा, टैंक स्लो ही चलते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या? हाँ, क्योंकि पता नहीं मेरे को क्यों स्लो चलते हैं। अरे वो भारी होते हैं, इसलिए स्लो चलते हैं। मैं और यहाँ पे बोचे हैं तो एरिया पे कब्जा कर रहे हैं। हाँ शिनचैन, हम इस एरिया पे कब्जा करेंगे, यहाँ से बाहर मत निकलना, हमें इतने एरिया में अपने टैंक को रखना है। अभी मैं जूम करके उसको फोड़ूंगा, वो दोनों के दोनों टैंक को मैं जूम करके मारूंगा। ये देखो, उसके ऊपर मैंने वो ट्री गिरा दिया, आम का ट्री। वो आम का ट्री नहीं है, कोकोनट्स का है। नहीं बोचैन, वो आम का है, देखो उसके ऊपर आम भी लगे हैं। शिनचैन, मुझे तो कोई आम नहीं दिख रहे। ये तो मसाओ का टकला है। ए शिनचैन, क्या तुम्हें मेरा टकला आम जैसे लगता है? मसाओ, पता नहीं, कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। दोस्तों, हमने एरिया को 50% से ज्यादा कब्जे में कर लिया है, और अभी 50% और करना है। नहीं नहीं बोचैन, अभी बस 20% करना है। शिनचैन, तुम कर सकते हो, हम लोग इतने टैंक्स को रोकते हैं, तो मेरिया को कब्जे में करो। तो मेरा ऐसे कर भी लूंगा, और ये मैंने कर लिया। वाव शिनचैन, बहुत अच्छे गाइस, तुम सबने मिलकर बहुत अच्छा टीम वर्क किया, और हमने पहला ये राउंड इजीली जीत लिया। यस, हमें विक्ट्री मिल गई। नानी, ये टैंक चलाना तो बहुत ही इजी था, और इनसे लड़ना तो उससे भी ज्यादा इजी। हाँ कजामा, लेकिन अभी आगे जाके हार्ड होने वाला है। अरे नैनी, हार्ड हो जाएगी, मसाओ को हराने वाला आज तो कोई पैदा नहीं हुआ है। मसाओ, तुम सब कुछ हल्के में मत लो, जब आगे जाके ताकतवर टैंक आएगी ना, तो हम लोग को भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, वैसे बोचन के बाप में दम तो है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ो अपने टैंक्स को लेके, अभी हमें इस वाले एरिया पे भी कब्जा करना है। हाँ, इस वाले एरिया पे कब्जा तो मैं करूँगी। चलो मेरे दोस्तों, मेरे पीछे पीछे आओ। नहीं, मेरे पीछे आओ, क्योंकि फौजी तो मुझे बनना है। ओ बोचन, नहीं, वैसे ये मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ही तो तुम लोग को यहाँ पे लेके आई। नानी, लेकिन बोचैन ने फौजी की स्टडी किया, सो उसको तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहो, तब तक मैं यहाँ पे पूरा का पूरा टैंक खाली कर दूंगा। ये ओपनेट के टैंक मेरे ऊपर अटैक कर रही है, कजामा, क्या मैं सबको तोड़ दूँ? हाँ शिनचैन, 20 से उखाड़ दे, तोड़ दे, फोड़ दे, जबकि सबकी तो सबको तोड़ दे, किसी को मत छोड़, बस मैं तो बोल रहा हूँ। ये मेरे सामने एक सस्ता से टैंक आ रहा है, और ये क्या, ये लोग तो मुझे बहुत गंदा मार रही है, कोई तो मेरी हेल्प करो। शिनचैन, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ चुका हूँ, ये लोग तुम्हारे बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये लोग मेरे टैंक की ऐसी तैसी कर रही है, मेरी हेल्प बहुत कम है, मैं तो मरने वाला हूँ। शिनचैन, उनको डॉच करने की कोशिश कर, ये तो बहुत गंदा मार रही है। हाँ वाह, मुझे लगता है शिनचैन का टैंक फूटने वाला है, वैसे मैंने उनका एक टैंक फोड़ दिया है। वो 5 है, और 5 में से 4 ही बचे हैं। ओके, तो इनका एक टैंक मैं फोड़ दूंगा, ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, मेरे पीछे 2 टैंक है। यस, मैंने उनका दूसरा टैंक भी फोड़ दिया दोस्तों। बोचैन, तू तो बहुत पावरफुल है यार, चल बोचैन, तू ही हमें जिताएगा आज।
हाँ यार मान गई, वो चैन तो बहुत बढ़िया टैंक चलाता है। अभी देखो मैं इनको फोड़ता हूँ, ये लो। ये टैंक तो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, इसकी बैंड बजा दूंगा मैं यहाँ पे खड़ा होके। शिनचैन उसके टैंक को डोज कर और उस टैंक को एक बार फोड़ दे, कुछ भी कर। अरे दोस्तों ने मेरा टैंक फोड़ दिया, मसाओ तुम्हें वहाँ से हटना चाहिए था। मसाओ का टैंक फूट चुका है, अब यहाँ पे 4v3 होने वाला है। हम 4 है और वो 3 है, हम लोग आसानी से जीत सकते हैं दोस्तों, बस टीम वर्क करो। हाँ दोस्तों खजामा बिल्कुल सही बोल रहा है, वैसे मैं बोचैन हूँ। हाँ सॉरी दोस्तों बोचैन बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें टीम वर्क करना चाहिए। यम्मा नानी मुझे लगता है थोड़ी सी पागल हो गई है। मैंने उनका टैंक फोड़ दिया। बहुत अच्छे शिनचैन बहुत अच्छे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी हम लोग अच्छे से जीत पा रहे हैं। अरे जीत जाएंगे खजामा, टेंशन मत लो, हमारे भी 3 ही टैंक बचे हैं, क्योंकि मेरा टैंक भी उन लोगों ने फोड़ दिया दोस्तों। अरे बाय नैनी, हम दोनों के टैंक फूट गए। शिनचैन वहाँ से निकलो, वो तुम्हारे टैंक को फोड़ देंगे। बोचैन में नहीं निकल सकता, अब तो मुझे यहाँ से कैसे भी करके बचाओ। इस वाले टैंक को मैं फोड़ के जाऊंगा, अगर मैं मरा तो ये फोड़ दिया। वाह शिनचैन तुम मर गए। ये मारा, ओ शिनचैन मैंने उस टैंक को फोड़ दिया, टेंशन मत ले। ओके बहुत अच्छे। ओ वैसे अभी हमें आगे क्या करना है? बोचैन उनका अभी सिर्फ एक ही टैंक बचा है और हमारे 2 है, हम दोनों मिलकर उनको हरा सकते हैं। हाँ ठीक है खजामा, तू हराओ उसके टैंक को फोड़ो, मैं तुम्हें चांस देता हूँ। बोचैन तुम मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हो? नैनी देखो तो सही, मैंने 3 टैंक फोड़े हैं और अब बाकी खजामा को तो फोड़ने दो। हाँ चल बोचैन टेंशन मत ले, ये मैंने फोड़ दिया। मुझे पता था तुम कर सकते हो। मतलब मैं भी फौजी बन सकता हूँ? हाँ बट तुम्हें उसके लिए और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अरे वाह इसमें तो मजा आ गया, लेकिन मेरा टैंक फूटा कैसे था? शिनचैन तुम सारे टैंक्स के बीच में जाओगे तो फूटोगे ही ना। हमारा भी तो फूट गया था नैनी। हाँ मसाओ तुम्हारी वजह से मेरा टैंक फूटा था। ए नैनी कुछ भी मत बोलो। हाँ कुछ भी नहीं बोल रही, तुमने ही मेरा टैंक फुड़वाया था। अच्छा ठीक है जो भी बोलो। अब मैं टैंक्स के बीच में जाऊंगा ही नहीं, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है शिनचैन? मैं जाऊंगा एरिया को कैप्चर करने और तुम सब लोग वो टैंक को रोकना। ठीक है चल जैसा तेरे को सही लगे। चलो दोस्तों इसको जाने दो और हम लोग जल्दी से टैंक्स को रोकते हैं, तब तक शिनचैन पूरा का पूरा एरिया कैप्चर कर लेगा। ठीक है शिनचैन सारा एरिया कैप्चर कर लो जाके, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। हाँ शिनचैन सारा का सारा एरिया 1 सेकंड में कैप्चर कर लेना। हाँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, सारी के सारी दृष्टि को उखाड़ दूंगा। बोचैन देख वो 5 लोग आ रहे हैं आगे से। खजामा अटैक करो, अटैक जल्दी करो। मसाओ साइड में हो जाओ वरना वो तुम्हारी टैंक उड़ा देंगे। नैनी जल्दी। इन लोग की तो घमासान युद्ध चालू हो गया है, मुझे ये वाली एरिया कैप्चर कर लेना चाहिए, फिर हम लोग डायरेक्ट जीत जाएंगे। शिनचैन क्या तो दूर से हमारी हेल्प कर सकता है? ठीक है खजामा मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से मैं जूम करूंगा। यहाँ पे कोई टैंक है क्या? वो रहा खजामा ये टैंक तो बहुत दूर है। शिनचैन जूम करके मारने का ट्राई कर, अगर मार सकता है तो ठीक है, लेकिन उनको लग नहीं रहा। हाँ शिनचैन तुम बहुत दूर हो ना, हम तुम्हें वहाँ से सेफ रखेंगे, हम उन्हें तुम तक नहीं पहुँचने देंगे। हाँ वैसे भी 50% एरिया कैप्चर हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और रुकना है। शिनचैन वहीं पे रुके रहो। अरे लेकिन ये क्या, मसाओ का टैंक तो डिस्ट्रॉय हो चुका है और नैनी का भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओह यस उनका मैंने एक के टैंक तो डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम लोग के ऊपर वो भारी पड़ रही है क्या? हाँ क्योंकि हम 4 है और वो 5 है इसीलिए। अरे कोई बात नहीं बोचैन, एरिया कैप्चर होने ही वाला है। मैंने कर लिया है दोस्त एरिया कैप्चर और यहाँ पे मेरा टीम वर्क काम आएगा। हाँ शिनचैन तुम बहुत अच्छा टीम वर्क कर रहे हो आज। पहली बार मैंने देखा कि शिनचैन टीम वर्क कर रहा है, नहीं तो ये हमें हमेशा मुसीबत में डालता है। यस दोस्तों आज हम सब ने मिलकर बहुत बढ़िया किया, अरे शिनचैन एरिया भी कैप्चर कर लिया, ये हम लोग जीत गए। अब तो मैं मानती हूँ बोचैन फौजी बन सकता है और तुम सब भी। लेकिन मेरे को तो एक्शन कमांड बनना है ना। हाँ और मुझे बनना था बिजनेसमैन। और मुझे बनना था साइंटिस्ट। नैनी तुम्हें क्या बनना था? मुझे कुछ नहीं बनना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अरे नैनी ये तो चीटेंगे। दोस्तों आप बताओ नैनी क्या बनेगी, जल्दी से कमेंट करो, हमें भी तो पता लगे ये क्या सोच रही है। अगर आपको मजा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय।